अस्सलाम वालेकुम, आपका फार्मासिस्ट हमाद अहमद। आज का प्रोग्राम अमरूद यानी गावा पर है। गावा बेसिकली इसका साइंटिफिक नेम साइडियम ग्वा जावा है और फैमिली माइट्रेसी। ये सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको, वेस्ट इंडीज़ और इंडिया और पाकिस्तान में काश्त किया जाता है। जो ज़्यादा गर्म ममालिक हैं वहाँ इसकी काश्त आसानी से होती है। ये एक छोटा दरख्त है जिसकी हाइट 30 मीटर से ज़्यादा नहीं जाती। अमरूद और अमरूद के पत्ते दोनों अहमियत के हामिल हैं। पुराने ज़माने में जंगों से वापसी पर लोग अमरूद के पत्तों से न सिर्फ गुसल करते थे बल्कि इनको खुश्क करके आम टैंक में मिक्स करके और ये अपने जख्मों पे और जिल्द पे लगाते थे, जिससे जिल्द के जख्म भी भरते थे और जिल्द भी खुशनुमा हो जाती थी। अमरूद के अंदर गैलिक एसिड, कैटीचिन, एपिकैटीचिन, साइक्लोपीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी के रिसोर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, आपको ख़ास तौर पर प्रोस्टेट का कैंसर नहीं होने देता। लिहाजा अगर आप अपनी ग़िज़ा में अमरूद को और ख़ास तौर पर ऐसे मर्द हजरात जिनका प्रोस्टेट ग्लैंड ज़्यादा है वो अमरूद लगातार खाएं, तो उनका प्रोस्टेट कम न सिर्फ कम होगा बल्कि नॉर्मल हद तक जा सकता है। इसके अलावा अमरूद सोडियम और पोटेशियम को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। एलडीएल को भी कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है और ब्लड शुगर लेवल को भी कम करता है, और जो एचडीएल है उसको ये बढ़ाता है। अमरूद स्किन के लिए इंतहाई मुफीद है, खास तौर पर स्किन में रिंकल्स नहीं होने देता। अक्सर कहा सवाल मुझसे पूछा जाता है कि जी फ्रूट का कौन सा टाइम है या अमरूद का कौन सा टाइम है, तो अमरूद हो या कोई भी फ्रूट हो उसका बेहतरीन टाइम एम्प्टी स्टमक है और वो सुबह का टाइम है। मैं भी अपने मामूल में नाश्ते से पहले जब भी फ्रूट ही खाता हूँ और फ्रूट के बाद फिर मैं फजर की नमाज के बाद फ्रूट खाने के बाद जो एक दो घंटा मतालिया या आराम करने के बाद मैं नाश्ता करता हूँ। ये रूटीन मैंने हकीम सईद से और जो अहम स्कॉलर्स थे उनकी रूटीन को स्टडी करके मैंने भी